कटनी से 20 किलोमीटर दूर हरदुआ ग्राम में प्रत्यक्ष को वोट न डालने को लेकर घर पर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने रिट्टी थाने में की, मगर आज दिनांक तक आरोपी पर कोई कार्रवाई होने से पीड़ित पक्ष ने कटनी एसपी सुनील कुमार जैन को शिकायत पत्र के माध्यम से शिकायत करने पहुंचे। आपको बता दें कि कटनी में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें हारे हुए प्रत्यक्ष जिता दिए गए और जीते हुए प्रत्याशी हार गए। यहाँ तक कि गुड़गड़ोहा ग्राम से महिला सरपंच प्रत्याशी ने कोर्ट की शरण ली और इस पूरे प्रकरण में निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए देखा गया। सर, मेरी समस्या है कि जो रूप सिंह द्वारा आग रखी है मेरी मोटरसाइकिल में, उस समस्या के लेकर मैं आया हूँ एसपी साहब के यहाँ कि मेरा यानी मेरी कार्रवाई करी जाए सर आगे, और उसको रूप सिंह को उसकी शिकायत आपने थाने में नहीं की थी? थाने में की थी सर। क्या हुआ वहाँ? कुछ सुनाई नहीं हुई है। पुलिस चौकी में भी की, क्या बोला उनने? उनने बोला कि देख लेंगे, हम देख लेंगे। कितने दिन हो गए? लगभग 15 दिन हो गए सर। एक तारीख से आज 15 तारीख हो गई, कुछ सुनवाई नहीं हुई है सर। सुनवाई नहीं हो रही। किस कारण से आग लगाई थी गाड़ी में? कुछ कारण? तुमने वोट क्यों नहीं दिया? तुमने वोट क्यों नहीं दी है? इस कारण से आग लगाई है गाड़ी में। हम आए हैं अपनी जानकारी देने के लिए। क्या जानकारी देने? ये देने लाए, हमारे भाई भौजाई के ऊपर हानि हुई है, मोटरसाइकिल जल गई, तो हम देखने आए थे। वहाँ जब घर आए तो घर में ताला लगा था, भाई भौजाई नहीं मिले हैं, तब हम मोहल्ले में बैठ गए साहब। तो रूप सिंह आया है तो सीधे बाटा लिया रहा शराब की, हमारे सिर पे उड़ालने लगा, कहने लगा कि हम तेरे ऊपर भी आग धर देंगे, अभी तो हम गाड़ी में रखे हैं, अब घर में भी रख देंगे। कितने बजे की घटना है ये? 5 बजे की है शाम की। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किस थाने में की? हमने थाने को गए, थाने में कोई शिकायत नहीं की। चौकी को गए, चौकी भी कोई शिकायत नहीं की। नहीं लगी कि हम नहीं करेंगे, इस रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। फिर आगे? फिर कुछ नहीं, हम यहाँ आए कोई मिलता ही नहीं है शिकायत के लिए। तो आज आपने किसको शिकायत की? एसपी जी के पास आए थे तो वो भी नहीं है। फिर शिकायत कहाँ दी आपने? डीआई मैडम जी को दी शिकायत। क्या मांगे आपकी उसमें? उसकी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो मारने की धमकी देता रहा है, जान से खत्म कर देंगे अगर तुम रिपोर्ट करोगे। क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश भाई। कहाँ रहती हैं आप? सगवानी में रहती, हम तो देखने के लिए आए थे। आपकी कौन लगती है? भैया भाभी। दुर्भाग्य है कि चुनाव के शायद आज प्रमाण पत्र बटना है। उम्मीद थी कि निर्वाचन प्रक्रिया कलेक्टर महोदय ने जैसे मीटिंग ली थी, विश्वास दिलाया था कि निष्पक्ष होगी। हम लोगों ने उस मीटिंग में भी कहा था कि जिला प्रशासन सचेत रहे और जो शराब का वितरण और शराब की बिक्री बढ़ रही है इस पर तत्काल रोक लगाएं। लेकिन दुर्भाग्य है कि शराब पर रोक नहीं लगी। उसका नतीजा यह है कि नवाब सिंह जी हैं मेरे यहाँ आए, ग्राम हरदुआ के रहने वाले हैं। इनके यहाँ जो प्रत्याशी चुनाव हार गया रूप सिंह, उसने घर में घुस के इनकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो इन्होंने पुलिस को दिखाया सुबह और जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन दुर्भाग्य के रीठी की पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख दी, उसमें अज्ञात डाल के आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे दिन जब इसकी बहन इनके यहाँ देखने आई तो इसकी बहन के ऊपर भी रूप सिंह द्वारा शराब की बाटल सर पे सर से डाल दिया गया और ये कहा गया कि अगर कहीं रिपोर्ट करोगे या किसी से बात करोगे तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। ये डर के मारे लगातार भटक रहे हैं, 3 दिन से एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, आज भी एसपी साहब नहीं मिले हैं, लेकिन आवेदन इनके द्वारा दे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कृत्यों पर एसपी महोदय संज्ञान लेंगे, कलेक्टर महोदय संज्ञान लेंगे और ऐसे तथ्यों पर कार्रवाई करेंगे जिससे इस गरीब को न्याय मिल सके। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।